रामपथ में पहली बारिश में अयोध्या का पोल खुल गया। रेलवे स्टेशन की जो दीवारें गिर गई हैं और भी कई मठ मंदिरों के दीवार गिर गए हैं। सड़कें धस चुकी हैं जिसमें अयोध्या में ये जो धांधली हुई है इसकी जांच करना चाहिए प्रशासन के द्वारा। अयोध्या जो भगवान राम की नगरी के रूप में जानी जाती है आजकल हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का केंद्र बन गई है, लेकिन पहली ही बारिश ने अयोध्या के विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी है। भीषण गर्मी के बाद मानसून की पहली बारिश में अयोध्या का हाल देखिए। अति महत्वाकांक्षी परियोजना अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की लगभग 20 मीटर लंबी दीवार गिर गई। वहीं रामपथ की सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं जिससे वाहन फंसते नजर आ रहे हैं। यह उस अयोध्या की तस्वीर है जिसे हाईटेक सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं। अयोध्या में जो विकास भाजपा सरकार द्वारा किया गया वो जो एकदम से धोखा हुआ अयोध्या वालों के साथ, ये धांधली हुआ है। रामपथ में पहली बारिश में अयोध्या का पोल खुल गया, कई जगह सड़कें धस गई हैं, 200 जगह जो कई घटनाएं हो गई हैं। रेलवे स्टेशन की जो दीवारें गिर गई हैं और भी कई मठ मंदिरों के दीवार गिर गए हैं। सड़कें धस चुकी हैं जिसमें अयोध्या में ये जो धांधली हुई है इसकी जाँच करना चाहिए प्रशासन के द्वारा। हजारों करोड़ की परियोजनाएं भी चल रही है, करोड़ों हजारों की परियोजनाएं सिर्फ कागज में है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं, ये सिर्फ जो है इसे धांधली हुआ है, कोई गुणवत्ता नहीं है किसी भी सड़क में। इसकी जांच करें प्रशासन और इसकी जो है उचित कार्रवाई करें आने वाले दिन में। और बिल्कुल आने वाले दिनों में इसकी जाँच करने के बाद उच्च सड़क क्वालिटी बनवाए जिससे यात्रियों को अयोध्यावासियों कोई दिक्कत ना हो। प्रदेश सरकार की करोड़ों रुपए की योजना अयोध्या का विकास की गंगा बहाने के लिए थी, जो विकास के लिए उन्होंने धन अवमुक्त किया और प्रदेश सरकार ने यहाँ पर लोगों को बताया भी और विकास लगातार हुआ भी, लेकिन ये विकास किस काम का जो रामपथ पे आज गड्ढे हो रहे हैं और भक्तिपथ पे जो दर्शनार्थी आ रहे हैं वो कचड़े के बीच में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। इसकी जो कमी है वो घोर लापरवाही है और इसकी निश्चित तौर से कहीं ना कहीं लापरवाही का ही नतीजा है और जल्दबाजी का नतीजा है। लोग तमाम परेशान हो रहे हैं, कृपया इस पर जाँच करवाएँ, अगर जांच होती है तो इसमें सही की बातें सब समझ सामने आएंगी। हल्की बारिश में ही अयोध्या की सड़कों की हालत बदतर हो गई है। चौक क्षेत्र में रिकाबगंज रोड पर सड़क धंस गई और एक कार इसकी चपेट में आ गई। लोगों ने धक्का देकर कार को निकाला। राम मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर रेलवे स्टेशन मार्ग पर कॉलोनी जलवानपुरा में जलभराव हो गया जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।